दोस्तों, कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जितने भी छात्र एलिजिबल होंगे 20% कोटा 1/3, 2/3 और पीटी के लिए, उनको लेकर एक अपडेट आ रही है। और फाइनली आप लोगों को पता है कि 20% का रिलैक्सेशन आपको रेलवे तब देता है जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं, और इसके साथ साथ आपका कट ऑफ डेट, जिस डेट में नोटिफिकेशन आता है रेलवे ग्रुप डी का, उसके लास्ट डेट तक अगर आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, अर्थात प्रैक्टिकल एग्जाम यहां पे कंप्लीट हो जाता है, तो ही आपको 20% का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। 2019 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें यही जो है मेंशन किया गया था। तो अभी आपका एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट आ रही है और इसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से संबंधित पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का और थ्योरी एग्जामिनेशन का अपडेट आ रहा है, वो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन की तरफ से अपडेट आ रहा है, और अभी अभी इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 23-24 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको PDF एक मर्ज कर दिया किया गया है। तो चलिए PDF को डाउनलोड कर लेते हैं। हालांकि ये PDF हमने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जुड़कर आप PDF को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, फाइनली हम ऑफिशियल PDF पे आ गए हैं, नोटिफिकेशन पे आ गए, नोटिस पे, जो आपका रेलवे RRC बिलासपुर की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 23 और 24, मतलब 23-24 सेशन के अंतर्गत जो कैंडिडेट बिलासपुर में ज्वाइन किए थे, उनका यहाँ पे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आ गया है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे पॉइंट में बोरा स्टेनो, हिंदी एवं इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, पेंटर, प्लम्बर तथा वेल्डर ट्रेड की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा 5/12/2024 अर्थात 5 दिसंबर 2024 को वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के CBT हॉल में 10 बजे से आयोजित किया जाना तय किया गया है। अतः उपरोक्त परीक्षा हेतु हॉल टिकट SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार द्वारा भरकर एवं 2 पासपोर्ट साइज की फोटो साथ में लाना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका कॉल लेटर के रिगार्डिंग आपका जो प्रोफॉर्मा है, वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, हम आपको आगे दिखाएंगे, और इसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी भरकर आपको जमा कर देना है। ठीक है, हॉल टिकट एवं उम्मीदवार की जो सूची है, लिस्ट जो है, वो भी यहाँ पे साथ में जारी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी आपका मेंशन करके लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट से सूची कैसे देख सकते हैं। देखिए, ये आपका मेरिट लिस्ट है, जिसमें बोला गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 23 और 24, मतलब 23-24 सेशन के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा एक्ट अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, वो सभी का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपका सीरियल नंबर, ट्रेड, कैंडिडेट कोड, कॉन्ट्रैक्ट कोड, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, कम्युनिटी और आपका DOA और DOC, ठीक है, ये सारा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है। जब आपका अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वो सारा आप यहाँ पे ट्रेड देख लीजिएगा। टोटल इसमें बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका कितना, 21 कैंडिडेट है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 21 कैंडिडेट है 23-24 सेशन के अंतर्गत, जिनका यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जामिनेशन 5 दिसंबर के डेट में यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब देखिए, कॉल लेटर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि कॉल लेटर एंड डिटेल टू कैंडिडेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन AITT 114, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 114 एग्जामिनेशन अंडर ATS मंथ दिसंबर 2024, मतलब दिसंबर मंथ में आपका जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट कराया जाएगा। नेम ऑफ ईस्ट, यहाँ पे बात करें तो सीनियर डिविजनल ऑफिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर तो CBT हॉल ऑफ सीनियर DPO ऑफिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। इसको आपको क्या करना है, ये आपको पूरा प्रिंट करवा लेना है, हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। देखिए, ये पूरा आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, और प्रिंट करवाने के बाद आपको अपने यहाँ पे सब कुछ कर लेना, जैसे आपका नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर,
नेम ऑफ द ट्रेड, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है, और यहाँ पे आपका जो है डिविजनल पर्सनल ऑफिसर का यहाँ पे साइन मोहर लग जाएगा, ये आपको भर के जमा कर दीजिएगा ना, तो आपका फिर जो सीबीटी का हॉल टिकट होगा वो आपको वहाँ पर फिर इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी दे दीजिएगा ताकि आपके जो हॉल टिकट जब वहाँ पर बने तो उसमें किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो, ठीक है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, बाकी सभी डिविजन के जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं कोशिश करिएगा कि तय समय सीमा के अंतर्गत आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो एक एक दिन रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत मायने रखता है, और खासकर वैसे कैंडिडेट के लिए जिसका कुछ दिन ट्रेनिंग में बचा हुआ है, ठीक है। तो यथाशीघ्र आप लोग कोशिश करिए कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, ट्रेनिंग खत्म हो रहा है, तो डिपार्टमेंटल को बोलकर जल्द से जल्द अपना एग्जाम कंप्लीट करवाइए ताकि 20% आरक्षण के अंतर्गत आप लोग भी फायदा उठा सके। ये पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में दे दिए हैं, वहां से जाकर आराम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।